हाय कर दो हाय। हर हर महादेव। महादेव बाबा rest in peace. तो हे गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग हमारा कहाँ का होने वाला है। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा हरिद्वार का होने वाला है। तो हरिद्वार आपको पूरा एक्सपोज करके बताएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे गाइस। तो ब्लॉग बने रहे हैं। अभी मैं हरिद्वार जैक्सन स्टेशन में हूँ, तो चलिए चलते हैं और हरिद्वार एक्सपोज करते हैं। तो ये रहा गाइस हरिद्वार जैक्सन का व्यू, जो कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहा है, पूरा स्टेशन खाली है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है गाइस। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अभी हम लोग सबको निकल रहे हैं, इजिक्ट कर रहे हैं स्टेशन से गाइस। तो ये रहा गाइस हरिद्वार का ऑटो स्टैंड। तो और ये इजिक्ट भी यहाँ से है, और यहाँ भोलेनाथ का मूर्ति भी बना है गाइस। तो देखते हैं यहाँ, वाव, हर हर महादेव। तो हमने एक ऑटो कर लिया गाइस अभी, और ये रहा ऑटो हमारा। तो अभी चल रहे हैं ऑटो में, सीधा हर की पुड़ी चलेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे गाइस, गंगा स्नान करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा गाइस अपना बैटरी वाला ऑटो। हर की पुड़ी का कितना लेते हैं अंकल यहाँ से? कितना? 20 पर पर्सन 20 रुपये चार्ज है गाइस यहाँ से स्टेशन से हर की पुड़ी। हर की पुड़ी का गेट गाइस, और इसके अंदर अभी चल रहे हैं। और वो जो मंदिर दिख रहा है आपको, वो मनसा माता का मंदिर है गाइस। अगर हमें टाइम मिले तो वहाँ भी हम जरूर जाएंगे गाइस। तो गाइस ये देखो, वाव। तो हम अभी हर की पुड़ी गेट से अंदर आ चुके हैं गाइस, और अभी मार्केट बंद है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अभी सुबह का टाइम है, 6:30 से 7 बज रहा है गाइस, अभी मार्केट बंद है। धीरे धीरे खुल रही है, और अभी इतना तेज हवा चल रहा है, पूरा ठंडा ठंडा मजा आ रहा है गाइस। देखते हैं धूप निकलने की, इंतजार करते हैं अभी। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी सुबह का टाइम है, तो अभी गंगा आरती हो रही है गाइस। आरती ले लिया, थैंक यू, ले लिया। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी सुबह का टाइम है, अभी गंगा आरती हो रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा अभी व्यायाम मिल रहा है अभी हमको। और ये रहा कुछ ऐसा पहाड़ में देखने को मिल रहा है गाइस। हर हर महादेव। तो ये रहा गाइस अभी सूर्योदय हो रहा है, और ये है कुछ हर की पुड़ी का व्यू आज का। देख सकते हो पूरा पानी का बढ़ाव कितना है, वाव। तो गाइस फाइनली थोड़ी थोड़ी धूप निकलना शुरू हो चुकी है। नानी हाय करो, हाय। तो गाइस अभी इतना तेज हवा चल रहा है, कैसे नहाएंगे, इतने ठंड भी लग रहा है, हमें सोच के डर लग रहा है गाइस। थोड़ा सा वेट करें धूप निकलने का, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे गाइस, उसके बाद जो पूजा करना रहेगा करेंगे, घूमेंगे फिर। 1 hour later. तो फाइनली गाइस धूप निकल चुके है, और हम लोग फाइनली डिसीजन ले चुके हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए गाइस। तो अभी 9 से 10 बज रहा है, और अभी हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, तभी आपको दिखाते हैं गाइस।
हर हर महादेव। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे होंगे, मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ गाइस, गंगा स्नान कर लियो और महाकाल वाला टीका लेके भक्त बन चुका हूँ गाइस। तो अभी हमारा फैमिली फोटो होने वाला है, फोटो लेने के बाद देखते हैं पूरा हरिद्वार घूमते हैं, तो दिखाते हैं आपको गाइस। तो ये रहा गाइस, अभी हम फोटो खिंचवाए थे तो हमारा फोटो भी आ चुका है। तो ये रहा, एक तो ये है हमारी फैमिली फोटो, उसके बाद ये मेरी मम्मी, उसके बाद ये मैं हूँ गाइस। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करना। ये हमारी नाना नानी, ये मामी। तो अभी हरकीपुड़ी घाट से निकल रहे हैं गाइस, ऊपर एक माता मनसा का मंदिर है तो वहां भी चलेंगे, तो दिखाते हैं। तो गाइस अभी हरिद्वार के मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला वगैरह मिल जाएगा अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो। तो गाइस भूख लग गया था तो अभी हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए गाइस, खाने के लिए। तो अभी सबको यहीं पे है, दिखाते हैं आपको खाने में क्या है। तो ये है गाइस रोटी चावल कढ़ी छोले वगैरह सारा कुछ है। तो गाइस मनसा देवी जाने के लिए हमने ट्रॉली किया है, ये रहा हमारा टिकट और अभी चलेंगे तो दिखाते हैं आपको। Thank you.
ट्रेन मिल गया अभी अभी से निकल। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे रेलिंग है, जब मनसा माता के मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है, भक्त ज्यादा आने लगते हैं गाइस, तो इस रेलिंग से होकर उनका मंदिर उनका दर्शन होता है। लेकिन अभी हम फरवरी के महीने में आए हैं तो भीड़ बहुत ही कम है गाइस, तो हमें बहुत ही अच्छे से मंदिर का दर्शन हो चुका है गाइस। और यहाँ आने की बात करें तो आप एक पैदल भी आ सकते हो और एक ट्रॉली ऑप्शन है। तो पैदल आओगे तो कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको और कुछ समतल रास्ते मिलेंगे उबड़ खाबड़, और दूसरी है ट्रॉली, तो उसमें आपको पर पर्सन लगने वाले हैं 129 रुपीज़ ओनली, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा गाइज। 5 से 10 मिनट में आपको मंदिर पहुँचा देगा, यहाँ आप दर्शन करो और 5 से 10 मिनट में आपको फिर आप नीचे पहुंचा देगा। तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ट्रॉली। अगर आप आते हो तो आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना गाइज, आप सीढ़िया से भी आ सकते हो, उसमें आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे गाइज, और ट्रॉली से आओगे तो 5 से 10 मिनट में आपको पहुंचा देगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना गाइज। मनसा माता का दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिया, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए गाइज मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, बट बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुका, अभी भीड़ भी कम थी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है गाइस, हाय कर लो। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस।